जब प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया तो 33 कोटि देवी देवता हर कोई उन्हें पाने की चाह में था। हर कोई यही चाहता था कि किसी भी प्रकार ये हमारी गृहिणी बन जाए। मोहिनी अर्थात जो सबको मोह ले, जो सबके मन को मोह ले, हर ले, वही ईश्वर का मोहिनी अवतार हुआ। सभी 33 कोटि देवी देवता की यही चाह थी कि किसी प्रकार हम इन्हें पा ले। हर कोई उनके पीछे चल पड़ा, ब्रह्मा जी, शंकर जी, हर कोई उनके पीछे लग गया कि किसी प्रकार हम इन्हें पा ले, ग्रहणी स्वरूप प्राप्त कर ले। परंतु मात्र एक देवता थे जिनकी मंशा कुछ और ही थी, वे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की यह चाह हुई कि किसी प्रकार यह मेरी पुत्री स्वरूप आए। और महाराज ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की, सबके मन की बात स्वयं ही पढ़ लेते हैं। जब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि सूर्य भगवान, सूर्य देवता की इच्छा यह है, एकमात्र वही यह चाहते हैं कि मैं उनकी पुत्री स्वरूप आऊं, उन्होंने तिरछे नैनों से मोहिनी अवतार में ही देखा और वही उन्होंने कह दिया तथास्तु। वही उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि अवश्य मेरी उपासना करो और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री स्वरूप आऊंगा। और तुम्हारी मंशा इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर मंशा है, मैं इस स्वरूप में नहीं आऊंगा कि 33 कोटि देवी देवता जिसको देखकर मोहित हो चुके हैं, और मैं उससे भी सुंदर स्वरूप में आऊंगा जिसे देखकर यह मेरा मोहिनी अवतार स्वयं भी उस पर मोहित हो जाए। ऐसे सुंदर स्वरूप में मैं आपके यहाँ पुत्री बनकर आऊं। ठाकुर जी ने उसी पल उन्हें आशीर्वाद दे दिया। वही सूर्यदेव वृषभानु रूप में आए। इससे पहले भी वृषभानु एक राजा बनकर आए थे, तब भी उन्होंने ईश्वर की तपस्या की कि किसी प्रकार आप मेरे यहाँ पधारे। और वृषभानु बनकर भी उन्होंने यही कामना रखी कि ठाकुर जी पुत्री स्वरूप मोहिनी अवतार से भी सुंदर मेरे यहाँ पधारे। और उनकी क्या मंशा थी? मोहिनी स्वरूप को देखकर सबके अंदर प्रेम वात्सल्य यह नहीं उमड़ा था, काम वासना जागृत हुई थी। परंतु वृषभानु की यह इच्छा थी कि मेरे यहाँ प्रभु जिस स्वरूप में पुत्री स्वरूप होकर आए, वो ऐसा रूप हो कि जिससे काम वासना समाप्त हो जाए। एक प्रेम वो प्रेम होता है जिसमें स्वार्थ छिपा होता है। हम सभी लोग स्वार्थ स्वरूप प्रेम करते हैं, परंतु वृषभानु जी की इच्छा थी कि मेरी पुत्री को देखकर सबके अंदर निस्वार्थ प्रेम उमड़ जाए। ऐसा स्वरूप होना चाहिए मेरी पुत्री का। कुछ समय बीतने के पश्चात तपस्या की, परंतु अभी भी प्रभु पुत्री स्वरूप नहीं आए। इस बार वृषभानु जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की, उन्होंने ब्रह्मा जी को पकड़ा, ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें कहा कि ठाकुर जी ने मुझसे कहा था कि वे मेरे यहाँ पुत्री स्वरूप आएंगे और प्रतीत होता है वह भूल गए हैं। आप तो ठाकुर जी के सबसे निकट हैं, जाइए और उन्हें याद करवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठाकुर जी भूल तो नहीं सकते, परंतु जब तुमने इतनी प्रार्थना की है तो इस प्रार्थना का फल तो अवश्य प्राप्त होगा। वृषभानु जी ने कहा कि कुछ तो साक्षात होना चाहिए कि मुझे प्रतीत होता रहे कि मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने कहा अवश्य, मैं यहां बरसाना में पर्वत स्वरूप स्थित हो जाता हूं।
मैं इस बात का साक्षी हूं कि ठाकुर जी आपके यहां पुत्री स्वरूप आएंगे। तो महाराज, जो बरसाना का पहाड़ है वह साक्षात ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने जाकर ठाकुर जी को याद करवाया और ठाकुर जी कहने लगे, वास्तविकता यही है, मैं तो भूल ही गया था। अब महाराज ठाकुर जी गहरी सोच में है कि मुझे देवकी वसुदेव यशोदा नंद बाबा के यहां भी जाना है, पहले से ही महाराज चार चार माता पिता। अब मैं वृषभानु और कीर्ति मैया के यहां भी किस प्रकार जाऊं? एक बात और बताएं, ठाकुर जी को ना प्रतिबिंब नहीं दिखाया जाता, मात्र श्रृंगार के समय ही उन्हें प्रतिबिंब दिखाया जाता है। क्योंकि मेरे ठाकुर जी इतने भोले हैं कि अपने स्वरूप के ऊपर स्वयं ही रीझ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो ठाकुर जी ने यहां पर भी जब अपना प्रतिबिंब देखा, उस प्रतिबिंब पर मोहित हुए और विचारने लगे कि क्यों ना अपना प्रतिबिंब ही कीर्ति मैया और विश्वभानु के यहां भेज। तो अपने प्रतिबिंब को ही सजाने सवारने लगी, सुंदर नथनिया पहनाई, कानों में कुंडल धारण करवाए, पैरों में पायलिया, बहुत ही सुंदर रूप ठाकुर जी ने प्रतिबिंब में ही सजा दिया। और अब एक चूनर ली और ओढ़ा दी। उसके पश्चात महाराज, जब उस श्याम रूप को हटाकर गौर वर्ण स्थापित किया, तो ऐसी प्रतिमा उत्पन्न हुई कि ठाकुर जी ने स्वयं के नेत्र भी ढक लिए। ऐसा स्वरूप मानो सूर्य चंद्र एक रूप हो गए, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। और ज्यों ही नेत्र खोले, हमारी श्री राधा रानी प्रकट हुई। ठाकुर जी ने प्रणाम किया। श्री राधा रानी का प्रथम प्रश्न यही था कि आप ही ने मुझे उत्पन्न किया है, आप ही की मैं प्रतिमा हूं, आप ही का मैं प्रतिबिंब हूं और आप ही मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो मोहिनी रूप में आया था, परंतु आपको देखकर मैं भी मोहित हो गया, वह मोहिनी अवतार भी फीका पड़ गया, वैसा आपका अवतार है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्री राधा रानी ने प्रश्न किया कि किस कार्य हेतु मेरा प्रकाट्य हुआ है। ठाकुर जी ने उन्हें आदेश दिया कि अब आप वृषभानु और कीर्ति मैया के यहां पुत्री स्वरूप जाओ और ऐसी पुत्री बनकर जाएंगी आप कि मात्र आपका नाम लेने से ही सभी का काम भाव नष्ट हो जाएगा, निस्वार्थ प्रेम उमड़ आएगा, ऐसा आपका स्वरूप होगा। और महाराज वही, और एक बात, क्या हम अपने प्रतिबिंब से ब्याह रचाते हैं? नहीं, नहीं रचा सकते। उसी प्रकार श्री राधा रानी ठाकुर जी का ही स्वरूप है, प्रतिबिंब है। आत्मा का मिलन परमात्मा में होता है, आत्मा परमात्मा एक ही है, उसी प्रकार श्री राधा रानी और ठाकुर जी भी एक ही है। दोनों दोनों में कोई अंतर नहीं, उन्हीं का रूप है। परमात्मा को पाने के लिए आत्मा की शुद्धि की आवश्यकता है और ठाकुर जी की आत्मा कौन है? श्री राधा रानी।
इसलिए अगर ठाकुर जी को रिझाना चाहते हो, उन्हें पाना चाहते हो, तो उनकी आत्मा अर्थात श्री राधा रानी का स्मरण करो। ठाकुर जी तो स्वयं प्राप्त हो जाए, स्वयं प्राप्त हो जाए।